हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले इस वनमोर की तरफ से आए हुए इस बॉक्स की। इस बॉक्स में एक बहुत ही कमाल की प्रीमियम क्वालिटी की ईयरफोन जो कि बहुत ही कम यानी बजट प्राइस में आपको देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आप इस ईयरफोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। साथ साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो आप में से कोई एक व्यूवर इस ईयरफोन को जीत भी सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी ईयरफोन का गिवे भी, साथ साथ रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, ये है मेन बॉक्स वन मोर पिस्टन क्लासिक ईयरफोन का। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स है जहाँ पर वन मोर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिले होगी। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक मेन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको आपकी ईयरफोन मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है और इस बॉक्स में काफ़ी सारी डिटेल्स भी मेंशन की गई हैं। तो इस बॉक्स को जल्दी से मैं अनरैप करता हूं और उसके बाद हमें मिलता है देखने को ये पाउच। और ये पाउच यार काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कुछ डॉक्यूमेंट्री या फिर ये बोल दें कि यूज़र मैनुअल, जो कि किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर बात करें अपने इस मेन केस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केस, यार केस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मतलब यार इस तरह का केस आपको जब आप ज्वेलरी परचेज करते हो तब देखने को मिलते होंगे, बट यहाँ पर ईयरफोन में इस तरह का केस देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इस ईयरफोन को। और गाइज अगर बात करें यहाँ पर पीछे की तरफ तो काफ़ी सारी डिटेल्स भी मेंशन की गई हैं। सो गाइज अब इस फटाक से इस केस को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ईयरफोन कैसी है और किस तरह की क्वालिटी हमको देखने को मिलती है इस ईयरफोन में। सो गाइस बॉक्स को ओपन करते हैं और जो हमारी ईयरफोन है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर ऑर्गेनाइजर में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साइज के ईयर कप्स भी दिए गए हैं इस केस के अंदर, तो आपके ईयर में जो भी फिट होता है आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इस ईयरफोन की, तो ईयरफोन आप देख सकते हो बिल्कुल इस केबल ऑर्गेनाइजर में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर आती है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप कभी ट्रैवल करते हो तो आपकी जो ईयरफोन है उसकी जो कॉर्ड है वो मैस नहीं होती है और बिल्कुल भी जो है उलझती नहीं। आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। सो गाइस केस के अंदर हमें देखने को मिलती है एक पिन। इस पिन की हेल्प से आप इस ईयरफोन को जो है इस ऑर्गेनाइजर से निकाल सकते हो, जो कि केबल ऑर्गेनाइजर आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस पिन की हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ इस ईयरफोन को, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके की बिल्डिंग क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, किस तरीके की जो है यहाँ पर आपको जो है साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो ईयरफोन को मैंने निकाल लिया, अब आप देख सकते हो ईयरफोन कुछ इस तरह की आपको मिलने वाली है। और जो बिल्ड है भाई साहब बहुत ही कमाल की बिल्ड है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वेल बिल्ड किया गया, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बिल्ड किया गया। जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है, चाहे हम बात करें ईयर टिप्स की या फिर पूरी केबल की, बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शाइनी बैक के साथ ही आता है, बिल्कुल मेटल फिनिश में आपको ईयरबड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस बात करें अगर यहाँ पर आपको तीन जो है बटन्स भी देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर जो है एक तो नॉर्मल हमारी हो गई प्ले पॉज और जो कॉल अटेंड करने के और कट करने के लिए। इसके अलावा दो बटन हमको देखने को मिलती हैं जो कि है यहाँ पर म्यूज़िक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की, इसके साथ साथ वॉल्यूम अप और डाउन की। अगर बात करें गाइस इसके केबल की, तो केबल की क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। ये एक नॉर्मल केबल नहीं, आप देख सकते हो इस केबल के ऊपर से जो है नायलॉन की कोटिंग की गई है। इससे होगा क्या कि आपकी अगर केबल कभी खिंचती है या फिर कुछ भी होता है ये केबल बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है एक 3.5 mm का जैक जो कि गोल्ड कोटिंग के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सभी स्मार्टफोन पर ये जो है सपोर्ट कर जाएगा। और कुल मिला के यार मैं बताऊँ तो आपको मैं साउंड तो सुना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं माइक पर साउंड सुनाऊँगा भी तो यार वो मज़ा नहीं आएगा, आपको एग्जैक्ट ऑडियो जो है नहीं सुनने को मिलेगा। सो गाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे तो इसका ऑडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्यों पसंद है उसकी वजह ये है कि इसमें बेस को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, जो ऑडियो है वो बिल्कुल बैलेंस रखा गया, जिससे जो म्यूज़िक का आउटपुट होता है वो बहुत ही कमाल का सुनने को मिलता है। बहुत सारे ईयरफोन्स में जो बेस है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना लाउड कर देते हैं कि जो पूरा ऑडियो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस ईयरफोन में जो आपको म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा सुनने में मिलेगा, तो ये ईयरफोन आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं गिववे की, क्योंकि आपने अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लिया, अब बात करते हैं गिववे की कि कैसे आप इसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आप में से कोई एक व्यूअर इस ईयरफोन को जीत सकता है। सो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में जो लाइक टारगेट मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 1500 लाइक्स का। मुझे पता है कि 1500 लाइक्स बहुत ही आराम से आप लोग कर दोगे, तो 1500 लाइक जो है लाइक टारगेट है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है, नीचे मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, आपको वहाँ पर जाना है। सिंपल मैंने यहाँ पर एक पोस्ट कर रखी होगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसी ईयरफोन के साथ, आपको उस पोस्ट को लाइक करना है और वहाँ पर एक रैंडम कमेंट कर देना है कुछ भी जो भी आपका दिल है। मैं फिर से बता दूँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, जो लाइक टारगेट है वो है 1500 लाइक्स का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन पर,
और पिन कमेंट पर भी मैं दे दूंगा, तो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको वहां पर क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, देन उसके बाद आपको एक पोस्ट दिखाई देगी, वो पोस्ट होगी इसी ईयरफोन के साथ मेरी, वो कैसी भी पोस्ट हो सकती है बट उस पोस्ट पर यहां पर मेरे हाथ में ईयरफोन ज़रूर होगी ये वाली। तो वहां पर आपको जाके उस पोस्ट को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इतना काम करना है और बहुत जल्दी मैं इसका रिजल्ट भी निकाल दूंगा जैसे ही 1500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई भी व्यूवर इसे परचेज करना चाहता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप इसे परचेज कर लो। ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन मैं कह सकता हूँ इस प्राइस रेंज में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।